नमस्ते नमस्ते भाई और बहनों, आज तो महाविषुव संक्रांति यानी कि हमारे हनुमान जी महाबलियान पावन पुत्र हनुमान जी की जन्मदिन है। उसी दिन भगवान राम का याद अगर करेंगे तो स्वयं हनुमान जी भी खुश हो जाएंगी, और हनुमान जी को याद करेंगे तो खुद राम भगवान भी खुश हो जाएंगी। तो आप दोनों को याद कर सकते हो या एक को भी याद कर सकते हो। चलिए हम भगवान राम को थोड़ा याद करेंगे। हे रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीता राम, हे रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीता राम, सीता राम जय राजा राम, सीता राम जय राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, मंगल प्रसन्न राजा राम, पतित पावन सीता राम, सीता राम जय राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो प्रभु भगवान राम जी को थोड़ा याद कर लिया, तो उसके हिसाब से आज भगवान राम का कितना महिमा है, उसका राम नाम का कितना महिमा है, उसका उपकार कैसा होता है, उसका महत्व कैसे होता है, वो थोड़ा याद करेंगे। कुछ पेपर में मैंने पढ़ा था को एक नारद जी तो हर लोग घूमने वाले हैं, और सब देवी देवता राक्षस जितने हैं उनके खबर को इधर के उधर, उधर से उधर लेने वाला है। मतलब वो क्या बोलते हैं, इस युग में मोबाइल फोन हमारे जैसे आप फोन कर लिया तो अमेरिका में फोन से बात हो जाता है, ऐसे पहले ऐसे मोबाइल नहीं था, तो खबर यानी कि मैसेज को नारद जी ने इधर से उधर लेते जा रहे थे और बोल रहे थे, खबर को पहुंचा रहे थे। इसी तरह एक दिन नारद जी घूमते घूमते भगवान विष्णु के पास गया। खीर सागर में रहते हैं भगवान विष्णु, विष्णु लोग में रहते हैं। नारद जी ने भगवान विष्णु जी को पूछे कि प्रभु राम नाम का महत्व क्या है, राम नाम, राम राम नाम का क्या महत्व है, क्या विशेषत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा हमको सुना दीजिए और समझा दीजिए, यानी कि राम नाम का ज्ञान का हमको थोड़ा बता दीजिए तो मैं धन्य हो जाऊं। तो विष्णु जी ने नारद जी का आंसर को देने के लिए कुछ वक्त थोड़े से वो बोले कि वो आंसर देने से पहले आपने जो पूछे नारद जी, आपका क्वेश्चन का आंसर, आपका प्रश्न का उत्तर हम देने से पहले मेरा एक छोटा सा काम कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ अभी एक छोटा सा काम कर लो। हाँ प्रभु बोलिए, हम करेंगे, नारद जी ने बोले। हम प्रभु बोलिए, तो वो सामने दिख रहा है, विष्णु जी ने बोले वो सामने दिख रहा है जो एक पक्षी बार बार एक पेड़ में बैठा है, वो पक्षी को जाके बोल कि वो राम नाम जपेगा, राम नाम
राम नाम जपेगा। रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीता राम। तो नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के बात मानकर, उनके आदेश मानकर तुरंत चले गए वो पक्षी के पास। पक्षी को बोले, नारद जी जैसे विष्णु जी ने बोले थे ऐसे बोले कि आप थोड़ा राम नाम जप लो। तो पक्षी ने नारद जी के बात को मानकर राम नाम जप लिए। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जैसे बोले वो मर गई, मतलब उसका प्राण छोड़ गया। नारद जी देख के बिल्कुल ताजुब हो गए। अरे राम नाम जपते जपते जैसे ही जपे वो पक्षी मर गए। अरे ठीक है, वो बात जाके विष्णु जी को बताई, प्रभु जी आपने बोले थे कि राम नाम जपने के लिए वो पक्षी को, मैंने बोला पक्षी को राम नाम जपने के लिए, वो जब जपे राम का नाम तो तुरंत मर गए। ठीक है छोड़ो वो बात, मर गए राम नाम। अच्छा फिर उसके बाद मरे तो नारद जी ने बोले कि मैं तो बड़ा पाप किया, मेरे बोलने पर वो पक्षी राम नाम का जप किया उसके बाद मर गया, तो पापी मैं हुआ क्योंकि मेरे कहने पर पक्षी राम नाम जपे थे। ठीक है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो पक्षी मर गया, उसका मरना था मर गया। विष्णु जी ने बोले और एक बात बोल रहा हूँ, तो और एक बात एक काम कर, भगवान विष्णु ने नारद जी को बोल रहे हैं मैं और एक काम दे रहा हूँ उसी काम को करो, तो जा वो गाय सामने दिख रहे हैं गाय, वो गौड़ ग्वाला ग्वाला के घर में एक गाय अभी अभी जन्म दिया है एक बछड़ा को, मतलब मिनी काउ एक बछड़ा को जन्म दिया है, उसी को बोल कि राम नाम जप कर। अरे नारद जी डर गए, मैंने बोला राम नाम जपने के लिए पक्षी को, ओ जब राम का नाम जप दिया तो मर गया, तो अभी अभी पैदा होने वाला वो गाय का बच्चा जो छोटा है अभी अभी पैदा हुआ है, अगर मैं जाऊं बोल दूं राम नाम जपो वो जप लिया और मर गया तो मैं साला महापापी हो जाऊं। नहीं 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 होगा मन में, लेकिन भगवान विष्णु जी का आदेश है फिर मरना ही पड़ेगा। ठीक है जो होगा देखा जाएगा, नारद जी ने बोले चले गए। वो अभी अभी पैदा हुआ वो बछड़ा को बोले कि बछड़ा जी थोड़ा राम नाम जप लो ना, तो बछड़ा जी जैसे राम राम जय श्री राम, राम जी की जय श्री राम, हरे श्री राम जय श्री राम ऐसे जप के शुरू की। जब राम का नाम पकड़ ले तो वो तुरंत मर गया। अरे साला मैं महापापी हो गया। नारद जी तो सोचते सोचते रोते रोते आए भगवान विष्णु के पास, भगवान आप क्या बोल रहे हैं, राम का नाम जपने पर पक्षी मर गया, अभी 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 पैदा हुआ वो बछड़ा मर गया, वो बेचारी गाय रो रही है, क्या करूं मैं मेरे को पापी बोल रहा। हाँ ठीक है ठीक है, और एक काम करना है तेरे को नारद, तेरे को और एक काम करना है, भगवान और मेरे को राम नाम जपने के लिए आदेश मत दीजिए, और कुछ काम दीजिए। नहीं नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जा अभी काशी के राज्य में, काशी राज्य में उसके राजकुमारी महारानी के गर्भ से अभी अभी पैदा हुआ है एक बच्चा, उसको बोल जा राम नाम जप करें। प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मेरे महापापी हो जाएगा, दो दो एक पक्षी एक बछड़ा को राम नाम जपने पर वो मर गए तो मैं पापी हो गया, फिर सो राजकुमार मर जाएगा और महापापी हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे जा मैंने बोला ना, भगवान विष्णु ने बोले नारद जी को तो जा, मैंने बोला ठीक है प्रभु मैं जा रहा हूँ, लेकिन पाप से मेरे को उद्धार करना, आपके बोलने पर जा रहा हूँ। तो नारद जी ने वो काशी
राज्य को गए और उस जो अभी अभी पैदा हुआ था जो बच्चा, उसको बोले कि तू राम नाम थोड़ा जप ले। तो बच्चा जय श्री राम 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 ऐसे जपने लगे, बोलने लगे। और बोले नारद जी को, तो आप तो धन्य है प्रभु, नारद जी आप तो महा धन्य है, मेरे लिए बहुत पुण्य कम किया मैंने। वो कैसा बात है नारद जी, मैं कैसा बात है, मैंने क्या पुण्य क्या। जय श्री राम, मैं इतना पापी था कि पहले पक्षी का जन्म लिया था, मेरे काम के हिसाब से पक्षी का जन्म मेरे को मिला था। तो कितना जन्म तक वो पक्षी रूप में मेरे को रहना पड़ता था, लेकिन आपने राम नाम जप करके, सिर्फ एक बार राम नाम को मैं जप किया और पक्षी जन्म से मुक्त हो गया। उसके बाद मेरे कर्म के हिसाब से फिर गाय वाला और बैल वाला जन्म मिला, चार गुण, पहले दो गुण, पहले उसके बाद चार गुण। तो उसी वहाँ पर भी आप आके राम नाम जपने के लिए मेरे को याद कर दिए। तो मैं जैसे जय श्री राम बोला, तो एक ही जय श्री राम से मैं वो चार गुण गाय के जन्म से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। अभी सब पाप मेरा खत्म हो गया, सिर्फ एक बार राम का नाम जपने पर पक्षी जन्म में एक बार और गाय का जन्म में एक बार, सिर्फ दो बार राम का नाम जप करके मैंने दो जन्म का पाप को खत्म कर दिया है। अभी मैं कितना खुशहाली खुशहाली विराट धनवान ज्ञानीवान परिवार में जन्म ले चुका हूँ, और मनुष्य के हिसाब से मैं अभी ज्ञान अर्जन करूँगा और भगवान को याद करूँगा फिर से। आप तो धन्य है प्रभु, धन्य है आपका इष्ट देवता जो विष्णु देवता है वो धन्य है, आप धन्य हो मेरे लिए, क्योंकि मेरे से तीन जन्म से आप मुक्त कर दिए हो और अभी अच्छा वाला जन्म को दे चुके हो, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। तो सुनिए मेरे ज्ञानों भक्तिजनों, राम नाम, सिर्फ राम, एक ही बार राम का नाम लेने पर, भक्ति से राम जी का नाम एक बार लेने पर एक जन्म क्या 100 जन्म का पाप खत्म हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। जय श्री राम।